नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। उमरिया के 5 किलोमीटर दूर गैस एजेंसी के समीप टैक्सी को ट्रक द्वारा जोरदार टक्कर मार देने से टैक्सी में बैठे सवारी 2 महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। NH-43 सड़क निर्माण 4 वर्ष से चल रहा है, लेकिन ये सड़क बनकर कंप्लीट नहीं हो पाया। उमरिया से शहडोल तक ये सड़क निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण कई लोगों की जान चली गई। वहीं आए दिन घटना हो रही है। जिला प्रशासन का अंकुश नहीं है इनके ऊपर, जिसके वजह से कार्य धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि सड़क निर्माण को लेकर जगह जगह पर सड़क खोद दिया गया। MPDCR की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भोगना पड़ रहा है। कितनी जिंदगी ले चुका है ये सड़क। उमरिया से पिपरिया जा रही शहडोल की तरफ से ट्रक तेज गति से आकर ठोकर मार दी, जिसमें 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को उमरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना इतनी बुरी तरह से कि 2 महिलाओं के सिर पूरी तरह से ट्रक के पहिए में दब जाने से सिर कुचल गया। सुमित्रा पति गिरधारी बेगा उम्र 30 वर्ष, कपूरिया पति मेकू उम्र 40 वर्ष, जो घटना स्थल पर मौत हो गई। यदि सड़क नहीं खुदा होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेके जा रहा था तो ये गैस एजेंसी, HP गैस एजेंसी, मैं रोड के किनारे गाड़ी करके जा रहा था, वहाँ से ट्रक वाला आया तो वो किनारे नहीं गया, वो मेरे साइड आके ठोकर मार के निकल भागा है। ऑटो में 6-7 मेरे बच्चे थे। ये सवारी कुछ पिपरिया की थी और जो सवारी बची थी वो लदेरा गांव की थी, भगड़ा लदेरा। घायल सर मेरे को तो नहीं पता, एक बच्चा यहाँ पे है, मेरे को वहाँ होश नहीं आ था। मेरी अम्मा और बुआ मुझे लेने गए थे, मेरी शादी हुई है सुत्री नंदामन में, मैं वहाँ से आ रहे थे तो आते समय वहाँ एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं ऑटो अपने आप पलट गया। फिर वहाँ से ट्रक आया और मेरी मम्मी और बुआ रोड की तरफ फेंक कर गए थे, तो मेरी मम्मी और बुआ के ऊपर ट्रक चढ़ाकर ट्रक वाला यहाँ आ गया। ऑटो जिसमें 4-5 सवारी थी और एक ट्रक इधर से जा रहा था, भारी वाहन था, उसने ऑटो को टक्कर मारी जिससे ऑटो पलट गया है। 2 महिलाओं की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई है, 2-3 लोग घायल हैं जिसमें एक छोटा बच्चा है, और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जो NH-43 है, उमरिया से शहडोल पूरी खुदी हुई है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिला मुख्यालय से बगल से लगा हुआ ये पिपरिया कॉलरी के और चपा कॉलरी के बीच में जिस प्रकार से रोड है और जिस प्रकार से उस रोड के ऊपर भारी भरकम ट्रक, कोयला के, राख के और जो भारी भरकम ट्रक चलते हैं, वो समझ लीजिए पूरी तरीके से मौत का सामान लेके चलते हैं। यहाँ भी इतनी ज्यादा रोड खुदी कि आम आदमी को चलना मुश्किल। आज जिस प्रकार से घटना प्रकाश में आई है, निश्चित रूप से ये राज्य जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग है उनके अधिकारियों के इसमें दोषी हैं। बहुत सारे लोग, जिला प्रशासन, बीच में कई बार लोगों ने ज्ञापन दिया, कई बार कहा, व्यक्तिगत रूप से कहा, लोग तो PIL लगाने तक इंटरेस्टेड हैं, मगर जो जिला प्रशासन ने दबाव नहीं बना पाया राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के ऊपर, उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग। उमरिया से नीरज सिंह, रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।